नमस्कार दोस्तों, जसबीर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे एक मित्र ने पूछा है कि श्री श्री 108 क्या है, 108 का हिंदुइज्म में क्या महत्व है। दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड प्रश्न है। देखिए, 108 क्या है? पहली बात तो श्री श्री 108 वो लगाते हैं, उसमें दो मत हैं। उपनिषद हमारे कितने हैं? देर आर 108 उपनिषद्स। जिन्होंने उन 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया होता है उनको श्री श्री 108 लगाते हैं। अब एक दूसरा मत है कि वे जिस महापुरुष ने, जिस संत महात्मा ने, हमारी बॉडी में 108 पॉइंट्स हैं, 108 एनर्जी पॉइंट्स हैं, ऊर्जा के पॉइंट्स हैं, जिसने उन सब 108 बॉडी पॉइंट्स को, शरीर में जो पॉइंट्स हैं, एनर्जी पॉइंट्स को जागृत किया होता है अपने अभ्यास से, अपनी मेडिटेशन से, अपने योग से, उनको श्री श्री 108 लगाते हैं। तो ये दोनों रिलेटेड इस तरह से हैं कि जिसने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया होगा और जिसने उन पे अमल किया होगा, अगर उपनिषदों पे अमल करेंगे तो वो श्री श्री 108 जरूर कहलाने के लायक होते हैं, क्योंकि 108 पॉइंट जो हमारी बॉडी में है, उन्होंने मेडिटेशन भी किया होगी, सब कुछ किया होगा और उनको जागृत किया होगा। ये है जी श्री श्री 108। और श्री श्री 1008, श्री श्री 1008 कुछ नहीं है, वो एक जीरो बढ़ा दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कोई बड़ी कोई खास हुआ नहीं। अभी हमने एक अपने बड़े ही जो मित्र हैं जिनको बहुत ज्ञान है, उनसे पूछा, कहते हैं 1008 उस पर लगा दिया जाता है जो चढ़ाई कर गए। 108 जब तक वो जिंदा है तब था, और 1008 तब हो गया जब वो चढ़ाई कर गए। हालांकि मैं इसको ज़्यादा उसमें नहीं देखता, सिर्फ 108 हमारे हिंदूज में आया है, तो 1008 का कोई महत्व मैं नहीं देखता। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? कोई और प्रश्न हो बिल्कुल पूछें, मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई आप प्रश्न पूछते हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं जवाब देता हूँ, नहीं पता होता तो मैं ढूंढता हूँ उसका आंसर, ढूंढता हूँ और उसको आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।